आज बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जिसमें क्रूरता की हद हो गई। वो युद्ध है भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध। इसका नाम कारगिल इसलिए पड़ा क्योंकि यह लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में लड़ा गया था। बात 1998 की है, जब एक गडेरिया अपनी भेड़ों को ढूंढने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ संदिग्ध लोग बंकर बना रहे हैं। उसे यह बात समझने में देर नहीं लगी कि कोई बड़ी बात है। उसने यह बात आकर भारतीय सेना की एक टुकड़ी को इसकी जानकारी दी। भारतीय सेना ने इसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय को दी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने 8 मई 1999 को द्रास में एक भारतीय सेना की टुकड़ी भेजी। जब तक वह टुकड़ी कुछ कर पाती, कुछ सोच पाती, तब तक पाकिस्तान अपनी जो मजबूती से पोजीशन बनाए बैठा था, उन्होंने बमबारी शुरू कर दी। उनकी बमबारी में भारतीय सेना के हथियारों का जखीरा ब्लास्ट हो गया, जिससे भारतीय सेना को लगभग 100 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके बाद जाट रेजिमेंट को मोर्चा संभालने के लिए दिया गया। जाट रेजिमेंट ने अपना काम बखूबी किया, परंतु बाद में जाट रेजिमेंट के जवानों को हिरासत में ले लिया गया, उनको बंदी बना लिया गया, उनकी आंखें निकाली गई, उनके सर अलग किए गए। इतनी क्रूरता ना कभी भारत ने सोची थी, ना कभी भारतीय सेना ने। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने पाकिस्तान की इस हरकत को उजागर करने की कोशिश की, परंतु पाकिस्तान हमेशा की तरह अपनी बात से मुकर गया। इसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय और भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाकर अपना रौद्र रूप दिखाया। नचिकेत पायलट ने पाकिस्तान पर आग की बारिश की, परंतु जब उनका प्लेन क्रैश हुआ तो उनको पाकिस्तान के द्वारा बंदी बना लिया गया। परंतु इन हालातों से ना तो भारतीय सेना पीछे हटने वाली थी, ना भारत पीछे हटने वाला था। भारतीय सेना ने अपना और रौद्र रूप दिखाया और अंत में पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा। भारतीय सेना ने जितना भी अपना क्षेत्र खोया था, उस पर दोबारा से तिरंगा झंडा फहराया। और भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी, उस पर चुटकी ली। एक बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम टहलते टहलते दिल्ली तक आ जाएंगे। इस पर भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि क्या हुआ कि आप दिल्ली तक नहीं आए, हम टहलते टहलते पाकिस्तान के लाहौर तक आएंगे और तिरंगा झंडा फहराएंगे। यह सब युद्ध इतना आसान नहीं था। भारत माँ ने अपने जखीरे से अपने कीमती वीर जवानों को शहीद कर दिया, परंतु क्या करें, मक्कार दुश्मन से लड़ने के लिए भारत माँ को अपने वीर जवानों को देना ही पड़ा। आज उन्हीं वीर जवानों को हम याद करते हैं। योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र, मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र, कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र, संजय कुमार, परमवीर चक्र, अनुज नायर, महावीर चक्र, राजेश सिंह अधिकारी, महावीर चक्र, कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी, महावीर चक्र, दिगेंद्रा कुमार, महावीर चक्र, बलवान सिंह, महावीर चक्र, इमलिया को आओ, महावीर चक्र, केसिंग क्लिफोर्ड नॉनग्रुम, महावीर चक्र, नेकचन कुओ केंगुरिज, महावीर चक्र, पदमपानी आचार्य, महावीर चक्र, सोनम वांगचुक, महावीर चक्र, विवेक गुप्ता मेजर, महावीर चक्र, इन भारत माँ के वीर सपूतों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। जय हिंद।